हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेरी पर्सनल फेवरेट अर्टिगा के न्यू फेसलिफ्ट के बारे में। कुछ चेंज मिलने वाला है इस बार आपको अर्टिगा के अंदर। जैसे पहले इसके अंदर आपको ZXi प्लस वेरिएंट नहीं मिलता था, लेकिन अब यहां पे आपको चार वेरिएंट मिलेंगे, LXi, VXi, ZXi एंड ZXi प्लस वेरिएंट। CNG ऑप्शन पहले आपको इसके VXi वेरिएंट में मिलता था, अब यहां पे आपको इसके ZXi वेरिएंट में भी CNG मिलने वाली है। इंजन ऑप्शंस में भी कुछ बदलाव किए हैं। इसके अंदर आपको सिंगल इंजन ऑप्शन मिलता है, लेकिन इसके VXi वेरिएंट से आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलना स्टार्ट हो जाने वाला है। ये जो वेरिएंट आप देख रहे हैं ये इसका VXi वेरिएंट है। और बात करें एक्सोरूम प्राइस की, 9,49,000 रुपये एक्सोरूम प्राइस है। और ऑन रोड प्राइस की बात करें 10,71,000 रुपये इसका ऑन रोड प्राइस हमें मिल जाता है। तो सीधे सीधे 1,00,000 रुपये इंक्रीज हो गए हैं भाई इसके VXi वेरिएंट में। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ चेंज के बारे में जो अर्टिगा के अंदर इस समय आया है। तो सबसे पहला चेंज आपको मिलेगा इसके ग्रिल में। तो अभी यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप की ग्रिल देखने को मिलने वाली है, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है पहले वाली अर्टिगा से। एक न्यू चेंज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था अर्टिगा के अंदर। हेडलैम्प यूनिट के अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ है। जो पहले हेडलैम्प आती थी वही यहाँ पे आपको मिलने वाली है हेलोजन एंड प्रोजेक्टर के साथ। फोग लैम्प इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलेंगे, आप आफ्टर मार्केट फोग लैम्प लगवा सकते हैं। तो कोई भी मेजर चेंज आपको इसके फ्रंट लुक में नहीं मिलेगा ग्रिल के अलावा। बात करें इसके साइड लुक के बारे में, तो डायमेंशन में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। आपको एज इट इज़ जो पहले डायमेंशन मिलता था ऐसा ही डायमेंशन आपको मिलने वाला है। 4,395 mm की यहाँ पे आपको लेंथ मिल जाती है, वहीं 2,740 mm का इसके अंदर आपको व्हील बेस देखने को मिल जाता है। 185 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। और टायर सेक्शन वहीं यहाँ पे आपको 15 इंच का मिल जाता है, जिसका प्रोफाइल साइज है 185/65R15। बात करें ORVM के बारे में, तो बॉडी कलर्ड ORVM मिल जाते हैं। इसी के इंटीग्रेटेड आपको टर्न इंडिकेटर की यूनिट मिल जाती है। बॉडी कलर्ड डोर हैंडल मिल जाते हैं। बाकी इसके साइड प्रोफाइल में आपको कोई भी चेंज नहीं मिलने वाला एज इट इज़। जो पहले अर्टिगा आती थी वैसी ही अर्टिगा यहाँ पे आपको इसके साइड प्रोफाइल से मिलने वाली है। चेंज हुआ है इसके रियर लुक में, तो भाई ये है इसका रियर लुक। काफ़ी ज़्यादा सही इसका रियर लुक आपको मिलने वाला है। चेंज की बात करें तो इसके ऊपर आपको मिल जाता है हाई माउंट स्टॉप लैम्प। कोई भी यहाँ पर डिफोगर रियर वाइपर नहीं मिलने वाला। इसके बूट पे आपको थोड़ा सा चेंज मिलेगा, जो कि इस बार अर्टिगा में आपको देखने को मिलने वाला है। टेल लैंप इसके अंदर आपको वैसा ही मिलेगा जो यहाँ पे पहले आपको मिलता हुआ आ रहा था। टेल लैंप की यूनिट इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है। असली चेंज आपको मिलेगा यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हैं लाइन, इसमें पहले नहीं थी, अब यहाँ पर ये एड ऑन किया गया है। इसके ZXi वेरियंट में आपको यहाँ पे क्रोम मिल जाता है, लेकिन इस वेरिएंट में आपको क्रोम नहीं मिलने वाला। बाकी 4 पॉइंट्स मिल जाते हैं पार्किंग सेंसर के, 2 यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, एंड यहाँ पे आपको हाइब्रिड की बैजिंग देखने को मिल जाने वाली है। तो पीछे से आपको माइनर चेंज मिला है, बाकी ओवरऑल लुक सेम आपको वही मिलने वाला है। चाबी के बारे में बात करें तो भाई इसके अंदर आपको ऐसी की मिल जाती है जो पहले आती थी, सेम की मिलती है। लॉक अनलॉक का यहाँ पर आपको बटन मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलने वाला। अभी भी यहाँ पे आपको भाई लीवर मिलेगा, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन नहीं मिलता है। तो ये छोटे मोटे चेंज है जो अर्टिगा ने यहाँ पे नहीं किए हैं। बात करें बूट स्पेस की, तो भाई यहाँ पे आपको ये बूट स्पेस मिल जाता है, ठीक ठाक ही है। इसके नीचे आपको ट्रे मिल जाती है, और भाई यहाँ पर भी आप अपना लगेज वगैरह रख सकते हैं। तो बूट स्पेस भी यहाँ पर आपको नॉर्मल मिल जाता है, एंड यहाँ पर आपको टूल किट देखने को मिल जाने वाली है। ये जो सीट है, इन सीट्स को आप रिक्लाइन भी कर सकते हैं, और भाई आप इन सीट को पूरी फोल्ड भी कर सकते हैं। ऐसे इन सीट्स को आप पीछे की तरफ कर देंगे तो बूट स्पेस आपका और भी कम बचेगा, और जैसे आप इनको आगे करेंगे आपका बूट स्पेस यहाँ पे अच्छा खासा बन जाता है। आप इन सीट्स को कम्प्लीटली फोल्ड भी कर सकते हैं। 50-50 स्प्लिट सीट मिल जाती है, एंड सेकेंड जो सीट है वो यहाँ पर आपको 60-40 मिल जाती है। सीट फोल्ड होने के बाद यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा स्पेस निकल जाता है इसके बूट में। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाता है। चलते हैं इस कार के अंदर, चेक करते हैं कि इसके अंदर हमें क्या कुछ चेंज देखने को मिलने वाला है। डोर हैंडल पे कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलने वाला। इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर आपको सेम मिलने वाला है जो पहले आपको अर्टिगा में देखने को मिलता था, ब्लैक एंड बेज कलर के अंदर। यहाँ पे भी आपको कोई भी चेंज नहीं मिलने वाला। बेज कलर होने की वजह से ये कार काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस फील होती है, और भाई स्पेशियस तो है। डोर के बारे में बात करें तो डोर ओपनिंग काफ़ी वाइड है, एंट्री एग्जिट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। डोर पे आपको स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाती है, बोतल होल्डर मिल जाता है, और भाई बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलता है।
ऑल फोर पावर विंडो कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको क्रोम डोर हैंडल मिल जाता है और ORVM को एडजस्ट करने का बटन मिल जाता है। इस वेरिएंट में आपको जो ये ORVM है ये ऑटो फोल्डेबल नहीं मिलते हैं। सीट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको फैब्रिक सीट्स मिल जाती है, हाइट एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला, लेकिन आपको सभी सीट्स पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है। अर्टिगा में काफ़ी ज़्यादा सही यहाँ पे आपको इंटीरियर मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगता है, लेकिन इस बार इसके अंदर आपको ऑटो ऑन ऑफ का बटन देखने को मिल जाता है। हेडलाइट को लेवल करने का बटन है, नीचे आपको यहाँ पे पैडल शिफ्टर देखने को मिल जाने वाले हैं। एसी वेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको ब्लैकआउट एसी वेंट मिलने वाला है, ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला, जो सेम अर्टिगा पहले आती थी वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। चेंज मिलेगा आपको इसके क्लस्टर के अंदर, अब आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रीमियम नेस दिखने वाला क्लस्टर मिलने वाला है। एनालॉग है, स्पीडोमीटर टैकोमीटर दोनों ही मिल जाता है, बीच में आपको MID मिल जाती है। इस MID को आप यहाँ से चेक कर सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन को। यहाँ पे आपको दो बटन मिलते हैं, इससे आप अपना फ्यूल गेज, माइलेज, एवरेज, फ्यूल इकोनॉमी, ट्रिप एडजस्टमेंट, ये सब चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहले ये वाला जो क्लस्टर था ये इसके ZXI में आता था, बट यहाँ पे आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। स्टेरिंग की बात करें तो ये आपको फ्लैट बॉटम मिल जाती है, स्टेरिंग माउंटेड कंट्रोल यहाँ पे आपको मिल जाता है, सुजुकी का लोगो मिल जाता है। एडजस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको टिल्ट एडजस्टमेंट मिलता है, यहाँ पे भी आपको कोई भी चेंज नहीं मिलने वाला, सेम जो आप पहले आता था वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। स्ट्रोक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको वाइपर स्ट्रोक्स मिल जाते हैं एंड यहाँ पे आपको हेडलाइट के स्ट्रोक्स मिल जाते हैं। इंफोटेनमेंट की बात करें तो सेम पहले जो VXI में इंफोटेनमेंट आता था सेम अभी भी यहाँ पे आपको वही मिलता है, बाकी बीच में हजार्ड लाइट का बटन है। AC की बात करें तो AC भी यहाँ पे आपको जो पहले आता था वही मिलता है। 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है, USB पोर्ट है, बट अच्छी बात यह है कि अर्टिगा के अंदर आपको कूल्ड कप होल्डर मिल जाता है जो कि काफ़ी सही फीचर है समर्स के दौरान। ग्लोव बॉक्स यहाँ पे आपको वही जो पहले आता था उसी शेप का मिलता है, साइज़ का मिलता है। IRVM यहाँ पे आपको मैनुअल मिल जाता है, केबिन लाइट है एंड सनशेड यहाँ पे आपको मैनुअल मिल जाता है नॉर्मल, एंड यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है। तो सेम सब कुछ फीचर यहाँ पे आपको वही मिलते हैं। बात करें ट्रांसमिशन के बारे में तो ये कार आपको 5 मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मिल जाती है, 2 एयरबैग मिलते हैं, लेकिन इसके ZXI प्लस वेरियंट में 4 एयरबैग देखने को मिल जाते हैं, तो सेफ्टी फीचर आपको सेम ही मिलने वाला है। ये है अर्टिगा का रियर डोर, काफ़ी वाइड ओपन होता है और भाई काफ़ी बड़ा डोर मिल जाता है। डोर के ऊपर आपको पावर विंडो का बटन मिल जाता है, क्रोम डोर हैंडल है, स्पीकर की प्लेसमेंट है, वहीं बोतल होल्डर मिल जाता है। सीट आपको जो पहले मिलती थी फैब्रिक में वही मिल जाती है, लेकिन हाँ सीट का कम्फर्ट आपको अर्टिगा में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिल जाने वाला है। बीच में आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है जो कि अगेन भाई काफ़ी सही फीचर है। नीचे आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाता है एंड पीछे से जो इसका लुक है वो कुछ ऐसा नज़र आता है। कंफर्ट डेफिनेटली आपको अर्टिगा में काफ़ी ज़्यादा सही मिल जाता है। AC वेंट रियर पैसेंजर के लिए, यहाँ से आप इसकी फैन स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। विंडो भाई यहाँ पे आपको बड़ी बड़ी मिलती है, विजिबिलिटी के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। सबसे अच्छा फीचर मुझे इसकी विंडो लगती है भाई, काफ़ी बड़ी बड़ी एरी फील होता है भाई, ऐसा नहीं कि आप बैठ गए गाड़ी में तो घुटन महसूस हो रही है, काफ़ी एरी फील होने वाला है। न्यू फेसलिफ्ट तो आया है बट एक कमी इस बार अर्टिगा में हो गई है भाई, यहाँ पे इनको टम्बल डाउन सीट देनी थी। इसको आपको यहाँ से जैसे ही प्रेस करेंगे जो सीट है ये पूरी नीचे आ जाती है और इसको आपको आगे की तरफ करना पड़ता है। टम्बल डाउन सीट अगर आ जाती ना तो भाई ये आराम से किया कारेंस को बीट कर सकती थी। टम्बल डाउन सीट होना बहुत ही ज़्यादा आज के समय में ज़रूरी है भाई। पीछे की सीट है, पीछे भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं और पीछे का जो कंफर्ट है वो भी आपको काफ़ी सही मिल जाता है। अच्छी बात ये है कि आप सभी सीट्स को रिक्लाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। लेग रूम, थाई सपोर्ट, कुशनिंग आपको अर्टिगा में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलेगी। कोई भी शिकायत आपको इसके सीट कंफर्ट में आपको फील नहीं होने वाली, चाहे आप इसके पीछे वाली सीट पर बैठे हैं। यहाँ पर आपको मिल जाता है बोतल होल्डर दोनों ओर और पीछे भी आपको बड़ा सा ग्लास बॉक्स मिल जाता है। एरी फील होगा भाई, काफ़ी ज़्यादा एरी है गाड़ी, आपको बिल्कुल भी घुटन महसूस नहीं होने वाली अंदर जब आप बैठेंगे तो। अब चेक करते हैं इसका इंजन, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है लीवर बोनेट को ओपन करने के लिए जो कि भाई काफ़ी अंदर है। आपको बोनेट को एक्सेस करने के लिए काफ़ी झुकना पड़ेगा भाई, मुझे देखो मिल नहीं रहा, तो यहाँ पर मिल जाता है इसका लीवर। जैसे आप इसको पुल करेंगे आपका बोनेट ओपन हो जाता है। तो बात करें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में तो इसके अंदर 1.5 लीटर का ड्यूल जेट इंजन मिल जाता है माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ,
जो कि 103 PSO पावर जनरेट करता है, वहीं 136 NMA ऑफ टॉर्क जनरेट करने वाला है। माइलेज की बात करें तो कंपनी इस इंजन के साथ इस बार 20 की माइलेज क्लेम करती है। तो भाई ये अगर माइलेज इतनी आ जाएगी तो काफ़ी सही हो जाने वाला है। अच्छे से इंसुलेशन किया गया है, वाइब्रेशन नॉइज़ केबिन के अंदर काफ़ी कम यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है। तो ओवरऑल इस बार आपको काफ़ी अच्छा, काफ़ी इम्प्रूव्ड इंजन देखने को मिलने वाला। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर आपको 2 एयरबैग मिल जाते हैं, ABS विद EBD। आगे वाले टायर्स में आपको डिस्क मिल जाते हैं, वहीं पीछे वाले टायर्स में ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं। तो सेफ्टी फीचर जो पहले मिलता था वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है। आई होप आपको न्यू अर्टिगा अच्छी लगी। आपको न्यू अर्टिगा का लुक कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियो पे प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।